हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं क्रोशे का बहुत ही प्यारा दो रंगों का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बनाइए। इसे बनाने के लिए देखिए मैं ये सिंगल चेन लूँगी सिंगल फंदे से, और ये जितना बड़ा मैं आपको प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगी छोटा सा, उतनी बड़ी ये चेन बना लूंगी। और देखिए ये इतनी छोटी चेन बना ली है मैंने, और लास्ट में मैं तीन सिंगल चेन छोड़कर इस तरह से चौथी चेन पर ये डबल क्रोशिया इस तरह से बनाऊंगी। और इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, फिर एक सिंगल फंदे की चेन, और फिर उसी जगह से एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और इसके बाद एक डबल क्रोशिया और इसी जगह से बनाऊंगी, यानी दो डबल क्रोशिया एक साइड, दो एक साइड, और बीच में सिंगल फंदे की चेन, और नीचे की तीन चेन छोड़कर ये 1 2 3 यानी 4 यानी चौथी चेन से मैं ये डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर उसी जगह से एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी, फिर सिंगल फंदा बनाऊंगी चेन, और फिर दो डबल क्रोशिया और उसी जगह से बना लूंगी। देखिए ये तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया बना ली हैं मैंने, और फिर उसी तरह से तीन चेन छोड़कर 1 2 3 4 चौथी चेन से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से, और फिर एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद मैं सिंगल फंदे की चेन बनाऊँगी इस तरह से, फिर उसी जगह से दो डबल क्रोशिया और बना लूँगी। इस तरह से मैं पूरी चेन पर तीन चेन छोड़कर चौथी चेन से इसी तरह का डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी जितनी बड़ी भी चेन है मेरी उसके ऊपर। तो देखिए इसी तरह से मैं लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी, और ये लास्ट तक मैंने बना लिया। अब देखिए लास्ट में मैं 6 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी, और चेन बनाकर देखिए यहाँ से इस जगह से मैं इस तरह से ये सिंगल फंदा लेकर बुन दूँगी, और फिर देखिए मैं इस तरह से फिर सिंगल फंदे की 6 बार गिनकर चेन बनाऊंगी।
और फिर आगे इस जगह से इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी और फिर सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी छह बार गिनकर। छह बार गिनकर चेन बनाने के बाद फिर आगे से इस जगह से ज्वाइन कर दूंगी। इसी तरह से मैं पूरे प्रोजेक्ट की डिज़ाइन पर सिंगल फंदे से बनाती जाऊंगी, इस चेन को ज्वाइन करती चली जाऊंगी लास्ट तक। तो देखिए लास्ट तक मैंने ये चेन बनाने के बाद इस तरह से फिर लास्ट में भी मैं सिक्स बार चेन बनाऊंगी और फिर देखिए इस तरह से जो ये चेन है हमारी लास्ट में उससे मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगी इस तरह से देखिए। और फिर इस तरह से सिंगल फंदे की छह बार चेन बनाऊंगी लास्ट में। और फिर देखिए इस तरह से जो ये दो हैं हमारे उसको मैं देखिए इधर से पीछे से इस तरह से जो चेन हमने बनाई थी नीचे की तरफ उसको फंसाते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम फिर एक बार सिंगल फंदे की चेन इसी जगह से फिर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे एक और ये दो। और फिर मैं देखिए इस तरह से आगे की डिज़ाइन से देखिए बीच से और पीछे की चेन को फंसाते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी एक डबल क्रोशिया और बना लूँगी मैं फिर सिंगल फंदा फिर दो डबल क्रोशिया इसी जगह से और बना लूँगी। उसके बाद इसी तरह से आगे की डिज़ाइन में भी इसी तरह से बना लूँगी। इसी तरह से मैं पूरी डिज़ाइनिंग पर इसी तरह से पूरे में बनाती चली जाऊँगी दो डबल क्रोशिया फिर सिंगल फंदे की चेन फिर उसी जगह से दो और डबल क्रोशिया इसी तरह से पूरी डिज़ाइनिंग पर बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। इसी तरह देखिए पीछे से इस तरह से बनाती चले जाऊंगी मैं लास्ट तक। अब देखिए इसमें भी लास्ट में भी उसी तरह से लास्ट की चेन से बनाती चली जाऊंगी सेम पैटर्न पर सेम डिज़ाइन।
उसके बाद देखिए मैं ये दूसरे कलर का बुलन लगाऊंगी इस तरह से। ये डिज़ाइन हम एक कलर का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये दो कलर का बना रही हूँ। देखिए उसके लिए मैंने ये दूसरा कलर लगा लिया है। और देखिए स्टार्ट में 6 बार सिंगल फंदे की चेन बनाई, और देखिए इस चेन जो पहली थी उसको छोड़ते हुए ये बीच का देखिए है, यहाँ से मैं सिंगल फंदा लेकर इस तरह से बुन दूँगी। फिर 6 बार यानी 6 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी मैं इस तरह से। और फिर आगे के देखिए यहाँ से ये चेन के ऊपर से मतलब यहाँ से अंदर की तरफ ये सिंगल फंदे से बुन लूँगी और फिर सिंगल फंदे की चेन बनाऊँगी। इसी तरह से मैं पूरे प्रोजेक्ट पर बना लूँगी पिंक कलर से। और पूरे पे बनाने के बाद उसी तरह से देखिए ये इस तरह से, और फिर देखिए स्टार्ट में से जैसे और लास्ट में ये सिंगल फंदे की चेन में बना लूँगी 6 बार। और उसके बाद देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया लूँगी मैं दो के बीच से, जिस तरह से मैंने फ्रोजी बनाया था सेकंड रो में, उसी तरह से पिंक कलर से देखिए मैं पीछे की चेन को फंसाते हुए पीछे से ये 2 बार सिंगल फंदे की डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर सिंगल फंदा एक, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आगे दूसरे डिज़ाइनिंग में देखिए बीच के यहाँ से और पीछे से ये चेन फंसाते हुए। दो डबल क्रोशिया, फिर सिंगल फंदा, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आगे के डिज़ाइन में तो देखिए इसी तरह से मैं पूरे में बनाती चली जाऊंगी, पूरे में डिज़ाइन सेम इसी पैटर्न पर। और ये हमारा उल्टी तरफ का साइड है डिज़ाइनिंग का। लास्ट में भी देखिए उसी तरह से बना लेंगे जैसा हमने फ्रोजी कलर का बनाया था, लास्ट में भी हम सेम डिज़ाइन बनाएंगे।
तो देखिए इस तरह से दो रंगों का, देखिए आगे की तरफ हमारा ये साइड रहेगा जो हम सीधी तरफ का प्रोजेक्ट का रखेंगे स्वेटर का, और उस तरफ हमारा उल्टा रहेगा। तो देखिए ये मैंने कुछ डिज़ाइन इस तरह का बनाया है दो रंगों से। और देखिए इसी तरह से ऊपर भी हम जितना बड़ा बनाना चाहेंगे बनाते चले जाएंगे सेम उसी तरह से। तो देखिए लास्ट तक मैं इसी तरह से सेम बना ली है मैंने चेन वाली डिज़ाइन, और लास्ट में मैं इस चेन से ज्वाइन कर दूँ सिंगल फंदे से, और फिर 6 बार सिंगल फंदे की चेन जैसे बनाती चली आई हूँ उस तरह से बना लूँगी स्टार्ट में। और फिर जो बीच का 2 डबल क्रोशिया इधर 2 उधर के बीच के उससे, और जो हमारी चेन है उसे फंसाते हुए डबल क्रोशिया बना लेंगे 2। फिर सिंगल फंदा और फिर 2 और डबल क्रोशिया। इसी तरह मैं आगे के डिज़ाइनिंग से लेके बीच से बनाती चली जाऊंगी पूरे प्रोजेक्ट में इस तरह से।
तो देखिए इसी तरह से मैं बनाती चली जाऊंगी जितना बड़ा भी प्रोजेक्ट बनाऊंगी। अगर आपको पसंद आए मेरे द्वारा बनाया हुआ ये टू कलर्स का क्रोशिए का डिज़ाइन, देखिए इस तरफ से हमारा सीधा है ये डिज़ाइन, तो अगर पसंद आए तो ज़रूर बनाकर देखिएगा अपने प्रोजेक्ट में, स्वेटर कार्डिगन किसी में भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूँ और भी प्यारे प्यारे क्रोशिए के डिज़ाइंस, एक कलर में, दो कलर में और सिलाइयों के डिज़ाइंस। धन्यवाद।